तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद, आप देखे मेरे YouTube चैनल दिल बनानी यार। भाई घर में भी ना दो यार, ये मेरे एक दोस्त सारा बीड़ा ब्रांड यार, बीड़ा ब्रांड यार, ये देख रहे हो सुबह को टाइम था आपको भाई को, भाई साहब नाश्ते में तीन पराठे देखने को मिले, भाई साहब टाइट पे होने के बावजूद आपको भाई बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन भाई साहब दो चाय देखकर मैं थोड़ा हैरान हो रहा था। भाई साहब खैर मैंने नाश्ता किया, भाई साहब मैं निकल पड़ा अपने कजन के घर जा रहा था। भाई साहब मैं जब गुजरा बारहवें चौक से, मुझे काफी मीम के एक शेर याद आ गया, लेकिन भाई साहब जब मैं थोड़ा आगे गया मैंने देखा भाई साहब वहाँ पर अड्डे पे कुल शरीफ का खत्म हो रहा था। भाई साहब कुल शरीफ का खत्म देख के मेरा शेर बदल गया, भाई साहब मुझे उसका दूसरा शेर याद आ गया, वो कहता है भाई साहब वो रुला गया ना काविश, वो जो कहता था बहुत हंसते हो कर जी। आज मैंने पेट्रोल पंप से रिफिल करवाया, भाई साहब मुझे पता चला पेट्रोल 19 रुपए बढ़ गया। भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा खुशी क्योंकि मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। यार भाई साहब सोचने वाली बात है यार, एक बंदा 1.5-2 लाख की बाइक खरीद सकता है, भाई 20-25 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन 10 रुपए महंगे पेट्रोल क्यों नहीं खरीद सकता। बात सही है। भाई साहब ये पाकिस्तानी वहां भाई साहब मोहल्ले में मैक मलिक आएगी, भाई साहब उस पर लाखों उड़ा देंगे, लेकिन जब बारी आएगी पेट्रोल की भाई साहब हुकूमत का केला करके इन लोगों के लिए मेरा एक ही रिएक्शन होता है। अबे साले। यार छोड़ो यार, मैंने सोचा चलो आज आपको अपनी थोड़ी शक्ल मुबारक दिखाता हूं यार, मैं कैसा लग रहा हूं ये नहीं पूछूंगा क्योंकि आज मुझे पता है भाई साहब मैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा हूं। यार आज आपको ऑफिशियल खबर सुनाता हूं, चलो भाई साहब वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ गैजेट मार्केट में, इसी के साथ सैमसंग ने भी इरादा कर लिया भाई साहब को अपनी सबसे पहली स्मार्ट रिंग बनाने जा रहा है, जो कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ कंडीशन मतलब कि हार्ट बीट, ग्लूकोज लेवल और ब्लड प्रेशर चेक करने की सलाहियत रखता होगा। भाई साहब थोड़ी देर सफर करने के बाद आपका भाई बोन का शहर, भाई साहब मैं सीधे छत पर चढ़ गया, मैंने कहा चलो यार ऊपर चढ़ के थोड़े नजारे वगैरह लेते हैं, मतलब के नजारे वगैरह देखते हैं। खैर भाई सब छत पर कोई चीज नहीं थी, आवाज वाट कुत्ता मारा पड़ता, भाई साहब बड़ा सुनसान था, भाई साहब मैं दलील खुआर होता हुआ नीचे चला गया। भाई साहब वहाँ पर मेरे कजन का एक पैरेट बैठा था, भाई साहब वो मुझे मिलने के लिए बेताब हो रहा था, भाई साहब वो बहुत एक्साइटेड था मुझसे मिलने के बाद, भाई साहब उसके रिएक्शन को ये थे। भाई साहब मैंने पैरेट को अल्लाह हाफिज़ कहा, भाई साहब मैं वहाँ से निकला, भाई साहब मौसम बहुत ही बेईमान हो रहा था, मतलब कि बारिश के इरादे मान रहे थे, भाई साहब मैं निकला, भाई साहब मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया बड़ी देर, ट्रक के पीछे गुजारने के बाद आपका भाई साहब पहुंच गया कमाम पर, वहाँ पर आपके भाई का बड़ा भाई साहब सीट पर चौड़ा होकर बैठ गया, नहीं वो नहीं भाई साहब ये जो दाढ़ी बनवा रहा था ये मेरा भाई था। खैर जी अभी भाई दाढ़ी बनवा रहा था कि भाई साहब हल्की हल्की बारिश शुरू होगी, भाई साहब हम चले गए अपने दोस्त के मेडिकल स्टोर पे, वहाँ जाके देखा कि भाई साहब बारिश बहुत ही तेज हो गई थी, भाई साहब आपके भाई ने घर फोन किया, भाई साहब मुझे पता चला कि मेरे इलाके में तो बारिश हो ही नहीं रही, वहाँ पर कड़क धूप निकली, भाई साहब मेरे रिएक्शन को ये थे। खैर भाई साहब शुरू करने के बाद हम चले गए जामा मस्जिद शेख अलैहिस्सलाम कब्री के बारे, भाई साहब वहाँ पर मौसम बहुत ही कुछ खुआ था, भाई साहब बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था भाई साहब मैंने देखा गाड़ी में बैठे हुए बंदा मुझे ऐसे घूर रहा जैसे मैंने उसको उधार दे। खैर यार मैंने सोचा चलो आज आपको थोड़ा व्यू चेक करवा दे, तो भाई साहब बारिश के बाद मौसम बहुत ही गुजुआर हो रहा था, भाई साहब अभी मैं व्यू चेक करवा रहा था कि मेरा मोबाइल बंद हो गया। यार भाई साहब मैं घर आ गया यार, कर रहा कि मुझे याद है भाई साहब आज का व्लॉग तो खत्म ही नहीं किया, भाई साहब इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं खत्म, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, साथ में घंटी के निशान को दबा दो ताकि हर वीडियो अपलोड करने से पहले आपको मिल सके। ये तो भाई साहब यार रोजाना ना आया करो ताकि बारिश काम और सलाबी शुरू होते हाल ना बने, यार नाते रखो खुश रखो स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।